कि अब मतदाताओं ने अपना काम कर दिया है, सिरसा की जनता ने अपना काम कर दिया है और एक सांसद होने के नाते हमारा काम अब शुरू होता है। उसी के तहत सबसे पहले हमने कल सभी हमारे जितने भी भाई बंधु वहाँ आए थे उनसे ये संकल्प लिया कि हम नशे को, इस एरिया को नशे से मुक्त करेंगे, नशे का नाश करेंगे। इस बात का प्रण हम सबने लिया कल, और इसके साथ साथ हर कोई 5-5 पौधे लगाएगा ताकि जिस ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग गुजर रहे हैं उससे कहीं कुछ थोड़ी बहुत निजात मिल सके। अपने अपनी जिम्मेवारी कम से कम सब लोग समझें, इसलिए हर किसी को ये आह्वान किया है कि 5-5 पौधे हर कोई लगाएगा। और इसके साथ साथ अभी आने वाले समय में 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा लोकसभा की फतेहाबाद जिले में आ रहे हैं और वहाँ पर वो सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और उसके बाद 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तरीय कबीर जयंती मनाने का संकल्प लिया है और हम सब इकट्ठे मिलकर कबीर जयंती जींद में सुबह 11 बजे 16 तारीख को मनाएंगे। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जो हैं वो उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे, और इसके बाद 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा में आएंगे और सभी कार्यकर्ता बंधुओं से रूबरू होंगे। तो ये सब सूचना आप लोगों को देनी थी, इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया। धन्यवाद। मैडम, साइकिल से क्या संदेश जा रहा है? साइकिल से ये संदेश जा रहा है कि एक तो पॉल्यूशन नहीं है, इसमें पेट्रोल नहीं लगता, इसमें डीजल नहीं लगता, और आपकी सेहत ठीक रहती है, आप ओबेसिटी की तरफ नहीं बढ़ते हो। साइकिल विपक्ष ने भी चलाया था पूरे प्रदेश में। देखिए, उन्होंने तो चलाया था चुनाव के लिए, वोट मांगने के लिए। चुनाव हो चुके हैं, हम जीत चुके हैं, हम इसलिए चला रहे हैं ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है और इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए साइकिल चलाई गई। मैडम,